पेड़ में थोड़ी वहाँ जाना है, हमारे वहाँ कद्दू नीचे आ जाते हैं लगकर। वो देखो ये मनु से मैं बोलूँ, रुको वाइट पहन के आए हो जाएगा ना, 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 तोड़ ना, कांट लगो, कांट लगो ना, इधर को आ, मेरे इधर को सांप। अरे खाली चुराते हैं यार, इनका काम क्या है? मेरे हाथ में मारना जो भी करोगे। तुमड़ी है, तुमड़ी है। मैं तो उसको कद्दू समझ रही थी अभी तक। एक और देखा आपने कद्दू? तुमड़ी है अभी। हाँ वो गए तुमड़ी और गदुआ, दोनों लगभग एक ही शेड आ रहे हैं दोनों में पीछे से। वो सोए हैं अभी। अभी हम लोग कोटाबाग के मार्केट जा रहे हैं, कल निकू का बर्थडे है ना, इसलिए उनके लिए केक लेने जा रहे हैं। हमने बोला कि हमें कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। निकू ने भी आ गए, और निकू लेके आ गए पीछे से, और हम बैठने वाले हैं। निकू हमें आधे मार्केट में छोड़ के चले गए हैं। अच्छा ही हुआ क्योंकि उनका कोई फ्रेंड मिल गया था उन्हें रास्ते में। यहाँ पे सब लोग हमें देख रहे हैं बड़ा। अभी बज रहे हैं रात के 12। मैंने और मनु ने मिलके निकू का बर्थडे सेलिब्रेट करा, और निकू को देखो खुद ही केक काट रहा है, खुद ही खाने में लगे हुए हैं। और मैंने निकू के मुंह में पूरा केक लगा दिया। बहुत इंजॉय करा हमने रात को। मैंने तो केक खाया नहीं, मनु ने और निकू ने ही खाया क्योंकि मेरा फास्ट चल रहा था। और हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हुई हैं, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग सो गए थे। आज निकू का बर्थडे है तो मैंने केक तो बना दिया है, आपको केक दिखाती हूँ। और भी पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए केक बन के रेडी हो चुका है, बस अब कट करने की देरी है। अगर आपने मेरा फूडी रिफ्रेशमेंट वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करें, तभी आप इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी वहाँ पे। केक रेडी हो चुका है, आपने देख लिया है, और बस पिज़्ज़ा बना रही हूँ। पिज़्ज़ा के लिए डो भी रेडी हो चुका है, देखिए यहाँ पे डो, ये सारा सामान मैंने फैला रखा है। बस जल्दी जल्दी से काम करती हूँ। निकू कोई चिली सॉस अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना इससे बेस काफी अच्छा बन जाता है, इसको और ये सेजवान चटनी को मिला करके। ट्राई पक्का करना आप लोग। सेजवान चटनी मेरा खत्म होने वाला है, नहीं बचा है। इतना अच्छा है, बेस पे रखा है मैंने, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है इसको। फिर जाके मैं पिज्जा बनाऊंगी, मन्नू रोटी बनाएगी और मम्मी सब्जी। हम तीनों आपस में से काम बांट लेते हैं तो बस सबके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। आप लोग को मम्मी पापा से मिलाऊंगी किसी दिन। मम्मी तो रेडी रहती है कैमरे में आने के लिए, लेकिन पापा को कन्विंस करना पड़ेगा। मस्त मोजा मच हो, दही खत्म। हमारे खत्म हो गया, पता नहीं तुमको कैसे जितने इनके सब्सक्राइबर हैं, दही और जो जो चीज खत्म होगा भेजते रहना, क्योंकि अब हमारी गाय दूध नहीं दे रही है। दूध देना कम कर दिया अभी, दे रही है मतलब। पता नहीं, मैं तो बिना दूध दही के खाना ही नहीं खाती।
मेरे लिए सबसे बड़ी आफत है पता है, इनके लिए तो पता नहीं, ये तो परहेज ही करने में रह जाती है तब भी बीमार हो जाती है। अब आजकल ऐसे लगी है यूट्यूब में कि ये सोई ही नहीं रही है, और जब दादा के हाथ से होगी कुटाई फिर ये सो जाएगी, फिर जल्दी नींद आ जाएगी, जल्दी नींद आएगी। अब मैं अपनी लंबाई और चश्मा पा रही हूँ, मुझे एनसीसी में चाहिए ये काम भी मैं इन्हीं से करवाऊंगी। भाभी पेन और कॉपी भी ले आओ, पूछो हमने वो नहीं मंगाया, निक्कू को फोन करो, निक्कू लाएंगे, तुम फिर ले आए फोन को, ऐसे चार्जिंग ही नहीं हो रहा। अरे मैं चार्ज कराऊं, रुको मैं निकिता दादा को फोन करते थे। हमने कल टेलर को दिया था, मैंने अपनी जींस दी थी और मन्नू ने क्या दिया था टेलर मास्टर आपने, मैंने टी शर्ट शर्ट दे दी थी। ओ निकल ये वर्क का फोन तो यहाँ रहेंगे। और अभी रात के 8 बज चुके हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं निकू का, निकू के कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय।